मोदी साहब का है, उन्हीं का चलेगा, उन्हीं को हम लोग देंगे। टक्कर है बराबर का, लेकिन हमको अनुमान है कि शायद जीवेश जी निकल जाएंगे। हम तो हम कहे 5,000 रुपया दोनों जाओ बिहार, कौन सरकार तभी दे देवे वोट कन कोई जब खोल के। जो बिहार में मुख्यमंत्री बनेगा वो चिराग पासवान को बनाइए, क्या कि नीतीश कुमार को नहीं बनना चाहिए। तो अभी नजर आ रहा है हम लोग को, जेडीयू को ही सपोर्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा बेरोजगारी का रोजगार के लिए वही देख सकते हैं और दूसरा कोई नहीं देख सकता। एलेक्स न्यूज़ निकल चुका है चुनावी सफ़र पे और लोगों से जानेंगे कि इस बार किस आधार पे वोटिंग करेंगे। तो आइए जानते हैं, पहले आप अपना नाम बताइए। आपका नाम? हमारा नाम सत्यनारायण पासवान। तो इस बार जो इलेक्शन है किस आधार पे वोटिंग करेंगे? इलेक्शन किस पार्टी के हैं आप? हम किसी भी पार्टी से नहीं ताल्लुक रखते हैं। आप किस आधार पे वोटिंग करेंगे? संवाददाता हैं, यस। तो अभी जो हमारे यहाँ मोदी साहब का है उन्हीं का चलेगा, उन्हीं को हम लोग देंगे। किस आधार पे वोट करेंगे? क्या आप कौन सा विकास देखे कि वोटिंग करेंगे कि या जातिवाद पे वोटिंग होगा? हाँ, मोदी साहब का जो है हम लोग को इधर तो वही चलेगा। क्यों, ऐसा क्यों, कौन सा काम किए या फिर जातिवाद पे इलेक्शन होगा इस दफ़ा? अब हम क्या बतावें, अब तो यहाँ और लोगों से पूछा जाए। तो आइए और भी लोगों से जानते हैं कि इस दफ़ा जो इलेक्शन है और किस आधार पर वोट करेंगे। आप पहले अपना शुभ नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम नरेश पासवान है। तो आप इस दफ़ा जो इलेक्शन है उसमें किस आधार पर वोट करेंगे? आधार हम लोग का है विकास, ठीक है, और हम लोगों ने भाजपा में ऐसा देखा है कि विकास है, इसीलिए हम लोग भाजपा को वोट करेंगे इस बार। क्या विकास में कुछ बता सकते हैं उसमें? विकास में हम लोग के यहाँ रोड थी, वो रोड का काम हुआ है विधायक जी की तरफ से, और हमारे गांव में से पूरा भी बिसर चौक है वहां पे भी रोड का काम हुआ है, यानी हमारे गांव में रोड का काम अच्छा किए विधायक जी, इसीलिए हम लोग सोचे हम कोई 5,000 रुपया दोनों जाओ बिहार, कौन सरकार तभी दे देवे वोट कन कोई जब खोल के। तो मर छी अन बेगर पानी बेगर सब बेगर घर न हवा गोहिया में छी, तब तक सुना दिलिए आप घर बना देथिन घर से कहू। आपके लिए घर नहीं है इसी? नहीं, देखो वह घर है वह टूटा मरैया में थी। वोट भी नहीं करेंगे तो ये कौन अथी छथिन? करथिन कैला ना करथिन। हाँ, तो वोट किस आधार पर इस दफा देंगे? किन कहू ना, ये कौन छथिन अथी भले कोई पार्टी से नहीं है? कोई पार्टी नहीं है? नहीं, सब देखेगा। अच्छा, क्या कहें तो केना जानबे कथी पर देबे नहीं देबे से नहीं जाने। आप क्या बोलेंगे इस दफा किस आधार पर? और भी लोगों से बात करते हैं। ये बोलिए, आप किस आधार पर? कान तो सुन, सरकारी कानून, सरकारी कानून है तो ये है ना, जो जिनका वोट कहे छथिन देवे के लिए सुनो तो हुनके देल जाते कि किस आधार पर करेंगे वो? जैसे गांव स्वस्थी रहे के चाहिए कि तो वही सब आधार से रोड बना कि नहीं बना कि पहले जैसे थे उसी रह रहे बल्ले बल्ले कुछ तो विकास हुआ होगा। हाँ, उसके आधार पर वोटिंग करेंगे। हाँ, कि नहीं कुछ हुआ कि परिवर्तन चाहते हैं? ना बल्ले या मतलब बिसर और चौक पर बल्ले या रोड बना तो बहुत सारे ऐसे काम भी हुए हैं उसके आधार पर वोटिंग करेंगे। और भी लोगों से जानते हैं। आपका पहले सुनना, एज ए युवा आप युवा हैं और किस आधार पे इस दफ़ा का जो चुनाव है वो किस आधार पे आप करेंगे? चुनाव जो है ना, मेरा नाम राहुल कुमार हुआ, मैं दोगरा का हूँ। जो है ना चुनाव, जो विधायक जो है सो अच्छा काम किया है, पर जो बिहार में मुख्यमंत्री बनेगा वो चिराग पासवान को बनाइए, क्या कि नीतीश कुमार को नहीं बनना चाहिए। क्या आप खूबी क्या देखे चिराग पासवान में जो खूबी नीतीश कुमार में नहीं है? काहे कि 15 साल अभी लालू भी बना था, 15 साल अभी ये भी बना है, अभी दोनों में तो देख लिए, अभी नया को डालिए उसमें। तो उसके तो पिताजी रहे हैं तेजस्वी तो नहीं रहा, तो उसमें तेजस्वी को बनाइए ना मुख्यमंत्री। तो आप युवा चेहरा लाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में, और कुछ कहना चाहेंगे तेज प्रताप या तेज प्रताप के बारे में, या कोई नेता युवा आपको कौन पसंदीदा नेता है जो अच्छा नेता लगता हो? अच्छा नेता तो वही लगता है तेजस्वी यादव।
चिराग पासवान के बारे में क्या बोलेंगे? चिराग पासवान अच्छा है, अभी नया अथी युवा है, उसको अभी वोटिंग में अथी बनाइए मुख्यमंत्री उसको। और कोई युवा नेता के बारे में जानते हैं जिसके बारे में आप कुछ बोल सकते? और अभी नहीं है, अभी नहीं है, मतलब दो को तो देख लिया है ना, 15-15 साल रहा है जी, कितना काम किया है, अभी नए युवा को लाइए, नया मुख्यमंत्री बनवाइए। तो लोगों का कहना है युवा परिवर्तन, युवा नेता होना चाहिए जो इनकी बात को सुन सके, इनकी जो मजबूरियाँ उसको सुन सके। जो चुनाव है, लोगों का क्या मिजाज है इस दफ़ा के चुनाव में और भी लोग से जानेंगे। पहले आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम आलोक कुमार हुआ। तो आप इस दफ़ा जो चुनाव है किस आधार पर वोटिंग करेंगे? इस बार का चुनाव हम लोग चुनाव करेंगे, जो हमारे हित के लिए काम करेगा उसी को हम लोग चुनाव करेंगे। और ज़्यादातर ये हम लोग RJD को ही सपोर्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा बेरोजगारी का रोजगार के लिए वही देख सकते हैं और दूसरा कोई नहीं देख सकता है। क्या आपको कैसे लगा कि RJD आएगा तो पूरा करेंगे? क्योंकि आज तक जो दलित समाज के लिए हमें RJD ही देखे हैं और RJD को हम लोग अपना अस्तित्व भी मानते हैं। तो इस दफ़ा क्या युवा के तौर पर आप एक युवा है, युवा के तौर पर आप क्या देख रहे हैं? युवा कोई नेता देख रहा है आपके नज़र में जो युवा हमारे जो दुख दर्द को देख सके, उसको दूर कर सके? हमारे जाले विधानसभा में एक नया जो उस्मानी करके आए हैं, वो अभी अलीगढ़ विश्व यूनिवर्सिटी से जो वहाँ से पढ़ के आए हैं, और वो हमारे दुख दर्द को समझ सकते हैं क्योंकि नवयुवक है और युवा को पहचान को जान सकते हैं। और हमारे जो भी हमारे दलित समाज का जो आज भी स्थिति बहुत दयनीय है और लोगों के द्वारा बहुत सारी सताया भी जा रहा है और यही सब समस्या है। तो आप जैसे पहले क्षेत्र के आधार पे नेता को चुनेंगे या फिर चीफ मिनिस्टर के तौर पे? नहीं देखिए, हम तो अपने क्षेत्रीय नेता को नहीं चुनेंगे, क्योंकि जो मेरे बेरोजगारी को देखेगा, जो हमारे समाज को उत्थान करेगा, हम उसी को देखेंगे, चाहे वो जो भी हो। तो आपका जैसे पसंदीदा कोई नेता युवा में दिख रहा है जो अच्छा है देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, ऐसा कोई नेता आपके नज़र में दिख रहा है? हमारे विधानसभा में तो अभी नया उस्मानी आप कंट्री एक स्टेट लेवल पे कोई ऐसा नेता देख रहे हैं इंडिया लेवल पे जो हमारे राज्य का जो दुख दर है कष्ट को दूर कर सके? देखिए, अभी नवयुवक में तो चिराग पासवान भी बहुत अच्छा बोलते हैं और उनका भी सुरगुजार हम लोग हैं। अगर देखा जाए तो अगर NDA के गठबंधन में चिराग पासवान है, अगर वो RJD से रहते तो हम लोग उनका सपोर्ट करते और वो हम लोगों का उनका सपोर्ट हम लोग करते यहाँ से। अगर नहीं, अभी उस्मानी ना आए हैं कांग्रेस से, तो हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। तो लोगों का कहना है कि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है और लोगों को लोग युवा नेता चुनने की कोशिश